रियाज करते वक्त या गाना गाते वक्त मुंह कितना खोलें, है ना, कि आवाज़ दम से बाहर नहीं आती है, तो मुंह कितना खोलना चाहिए। कोई कहता है ये चार अंगुल, कोई कहता है माचिस की तीली घुसा के मुंह खोलना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के तरीके हैं, पैंतरे लगाते हैं लोग, अपनी सोच लगाते हैं कि मुंह इतना खोलना चाहिए, ऐसे साउंड आएगा, वैसे साउंड आएगा। कोई कहता है मटकी में मुंह दे के रियाज करो, गूंजेगा तो साउंड ऐसा आएगा, तो मटकी की धूल जो गले में जाएगी वो कोई नहीं कहता कुछ, है ना। लेकिन ठीक है, लोगों के अलग अलग सवाल हैं, लोगों के अलग अलग जवाब हैं, ठीक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि गाते वक्त मुंह कितना खोलना चाहिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना मन बड़े झूठे। नमस्कार, मैं हूं मासूम निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का YouTube चैनल। तो आइए जानते हैं गाते वक्त मुंह कितना खोलना है। सीधी सी बात है कि साउंड प्रोजेक्शन जो है, जो आपका अंदर से हो रहा है, वो कभी भी दबा सा नहीं आना चाहिए जिससे कि गले पर प्रेशर पड़े, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और पेट का साउंड जाना चाहिए ज़्यादातर, जो अंदर से आवाज़ आती है, जो गहरी आवाज़ है, तो उसके लिए मुंह थोड़ा बड़ा खोलना पड़ता है। क्योंकि जितना बड़ा मुंह खोलोगे उतना साउंड बाहर आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह फाड़ दें, है ना, जैसे सा लगाए तो ना, कि इतना बड़ा भी मुंह खोलोगे तो भी गले से ही आवाज़ आएगी, है ना। अगर आपको लगे कि कम मुंह खोलने से गले से आती आवाज़ और बड़े से तो अंदर से आती होगी, ऐसा नहीं है। इतना भी नहीं खोलना है जिससे कि साउंड बनावटी लगे। सारे गा गा मा पा मा गा, जैसे मैंने एक वीडियो दिया है कि सारे गम होता है या सारे गा मा, क्योंकि लोग सारे गा मा पा धा, है ना, प ध और म, इनको मा पा धा गा ऐसे बोलते हैं। क्यों? ताकि साउंड ज्यादा आए, लाउड आए और वो दम से आवाज निकले। पर ऐसा जरूरी नहीं है इस टेक्निक का इस्तेमाल करना। आप ग म प ध में भी साउंड जो है दम से निकाल सकते हो, अगर आपने आकार में जो है स्वरों को लगाया है लंबा लंबा, है ना। तो वही चीज़ है, मुंह उतना ही खोलो जितना कि प्रेशर ना पड़े, और गले पर साउंड आप नोट कीजिए कैसा आता है। अगर आप मैं बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ होंठ हिला रहा हूँ हल्के हल्के, तो कैसा साउंड आ रहा है? ये नॉर्मली मैंने थोड़ा सा खोला है, है ना, स एक ये सा है, स फर्क महसूस किया आपने, वो स से सा कैसे बन गया। इसीलिए थोड़ा मुंह खोल के ही रियाज करना चाहिए। स ये भी सा ही है, लेकिन देखिए कितना लाउडनेस कितनी कम है इसकी। स रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा, उतना ही मुंह खोलो कि स्वर भी बाहर नहीं चले, जैसे सा, ये ना तो मधुर है और ना ही सुर में है, है ना, इतना लाउड। और सा, ये मेरे ख्याल से ठीक है इतना सा, मतलब दो अंगुल मुझे तो लग रहा है, ये दो अंगुल भी प्रॉपर नहीं है, है ना, और इसमें और भी निखारा जा सकता है। सा रे ग म प सा नी सा द नी रे नहीं, और
मतलब हो जाएगा और सुर भी जाएगा इससे। अब एक चीज और कि जब आप आकार का रियाज करते हैं तब क्या करते हैं आप, अगर मुंह को ऐसा करते हैं तो दो साउंड निकलते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है ए। ए का जो साउंड है वो अ ही है लेकिन आप ए के रूप में बोल रहे हैं, ए को थोड़ा खुला बोल रहे हैं तो ए साउंड होता है। ये क्या हुआ, ए बड़ा ए, लेकिन हमें क्या करना है ना, जब कई लोग होते हैं जो आकार की ताने लेते हैं तो ऐसा साउंड आता है। ये क्या हुआ, ए, 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 ए। आप ए बोलते समय कितना ही बड़ा मुंह खोल लो वो आएगा ए ही, आ नहीं आ जाएगा, आ बोलने के लिए आ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कई लोग होते हैं तान लेते समय आ बार बार बोलते हैं, तो बार बार आ भी नहीं बोलना है, आ की आ से ही लेते हैं। ये मैं बार बार आ आ आ प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, अ की आस को ही मैं लेकर जो है आलाप और तान ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुंह कितना खोलना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इतना भी नहीं कि सुर बिगड़ जाए और इतना कम भी नहीं कि आवाज ही बाहर ना आए, नॉर्मली खोलिए, थोड़ा लाउड आना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब साल लगाते हैं जब ऊपर हम तो आ कर देंगे तो साउंड फटेगा हमारा और प्रॉपर भी नहीं आएगा, और बार बार साउंड फ्लक्चुएट भी नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे भी नहीं करना है, आकार की ताने जो जाती है वो जबड़े से नहीं लेना और होंठ को ये ज्यादा नहीं करना है, आ जो है वो एक जैसा आ रहना चाहिए जब आलाप भी करना है। ये मैंने क्या किया, बंद करके फिर खोला, ये बार बार खोल रहा बंद कर रहा, ये नहीं करना, एक जैसा रहना चाहिए, बाकी लोग तो उनके करेंगे तो शब्द आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रोवाइड के चैनल को, एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगले महीने अगले दिन आपको हर दो दिन में जो वीडियो मिल रहा है ना, हर दो दिन छोड़ के आपको एक वीडियो मिल रहा है, तो कोई ना कुछ नया टॉपिक मैं लाता ही रहता हूँ, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रोवाइड के चैनल को, एंड शेयर करें वीडियोज़ को हमारे, एंड सब्सक्राइब जरूर करें।